दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्षित शर्मा स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल हरिओम पे। कल अपने पापा ने 17.2 पे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू को दे रखी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6 और f की वैल्यू 30, 60, 20, 40, 10 और 50। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। सबसे पहले लिखना है x, फिर f, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो लिखे आप लिखोगे एफ और एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। ये अपन को है एक्स की वैल्यू गिवन, एफ की 30, 60, 20, 40, 10 और 50। ओके, फिर यहाँ पे आके ये बॉक्स अपन ओपन कर देना है। फिर आप नॉर्मल से लिखते हैं, वैसे 0 और 1 लिखना है, नीचे इससे मल्टीप्लाई करना हो 30 से मल्टीप्लाई, 0 आएगा, 3 1 3 और 0 0 3 0। ये अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट इधर भी पॉइंट 1 डिजिट के बाद ही लगेगा, मतलब यहाँ पे आएगा 0 3 0। अगर पॉइंट 2 डिजिट के बाद होता तो 2 डिजिट से पहले आ जाता 1 2 0.30। ठीक है, अब अगला 0.2 को 60 से करना है, 0 0 मल्टीप्लाई में 6 2 12 1, 0 2 1, 1 डिजिट के बाद ही तो है, तो 1 डिजिट का लगाते हैं 12.0। अगला 0.3 को 20 से, 0 3 2 0, 0 0, 3 2 6, 0 0 6 0, 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट हम भी लगा देंगे 0 6.0। और कैसे लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन एक्स बार, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये 72.0, 2.0 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू होती है 210, हम भी लगा देंगे 210। ये लो हो गई, आ जाओ नीचे। अब एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 10 नीचे आ जाएगा, अगर 2 होते तो 20 आ जाते नीचे। पूरा लिखो 720 अपॉन 210, 210 10 आ जाओ, इससे ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब ये किससे कट रहा है, देखो 3 2 6, 3 2 6, 7 6 1, 4 70, ये तो आ रहा है 24/70। अब ये हो किससे कट रहा है, 2 से काट दो, 2 1 2 2 2 4, 35। अब और किससे कट थोड़ रहा है, ये 0 आ गया, 5 1 5, 0 0 5 0, 1 डिजिट के बाद है, लगाते हैं 0.5। अगला 0.6 को 50 से, ये देखा 0.6 नीचे 50 मल्टीप्लाई में, ठीक है 0 आ गया, 1 और 0 आ गया, 5 6 30, 0 0 3, 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद हम लगा देंगे पॉइंट, कितना है 30.0।
दिल्ली इतना हो रहा है प्रदूषण। बाद में इन सबको सम लिखना है, तो यहाँ पे इसे लिखेंगे सिग्मा एफ आई, पर इन इसका सम सिग्मा एफ एक्स, इस सिग्मा का मतलब सम ही है, ठीक है। उसका सम करते जितना आएगा 60 और 30, 90, 110, 50, 200 और 210, इसका सम आया अपना। अब इसका पॉइंट के इधर है तो 0 तो इधर जैसे आ गया, 3 और 4 5, 5 और 6 11, 11 6 17 और 17 और 5 22, got 2, 2 के ऊपर आ गया, 12 में 35 को डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे जा ही नहीं रहा, 10 लगाया पॉइंट लग गया, 35 को 70, 35 3 5 3 15, 2 y 70, 50 आ गया। देखो दिखा देता हूँ आपको, 35 3 कितना होता है, 5 3 15 नहीं जा सकता है, 35 3 35 4 5 4 20 0 4 12 13 14, तो ये 35 3 बार जाएगा, 3 बार गया तो कितना है अपना 105, 105 इसको उसमें कैटी दी तो 5 आ गया यहाँ पे, इधर बचा कितना 1, वेरी सिंपल 0 ले लिया। अब 35 4 जा 35 5 जा, देखो कितना होता है, 5 5 जा 25 2 175, अब जाता जाएंगे तो 4 बार 140, अब 35 4 जा 35 5 जा, देखो कितना होता है, 5 5 जा 25 2 175, अब जाता जाएंगे तो 4 बार 140, जीरो, 5 में से 4 गया। अपन को इतना ही छोड़ना है कि पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट आगे बहुत है, ज्यादा से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होएगा, इसलिए इतना ही करना है, इधर 0 लगा देना, 0.34 से आंसर रहेगा, 0.34 का आंसर। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अपना वो क्वेश्चन हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, x की वैल्यू दे रखी है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 एंड 0.89, ओके, और f की वैल्यू है 7, 8, 10, 15 और 10। चलिए वैसे ये सेम टू सेम, x लिखा, f लिखा और f x लिखा, ओके। x की वैल्यू कितनी है, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.89, ये है x की वैल्यू। f की 7, 8, 10, 15, 10 नीचे तक ले बॉक्स को, इसको बंद कर देंगे अपना बॉक्स, ओके। सेवन से मल्टीप्लाई करना है, 7 अंडर 7 0, 1 पॉइंट के बाद है
0.7 फर्स्ट का, 8 3 24 24.0 यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ आपको, 0.3 8 8 8 24 8 2.4 आया, 0.5 for 10 से 0.0 5 and 5 0.5 0 फिर 1 digit के बाद, 1 digit के बाद point, इधर 0 इधर 5 इधर point वापिस 0। अगला 0.7 को 15 से करना है, इधर कर देता हूँ 0.7 को 15 से 7 35 3 7 7 0 5 7 और 3 10 वन डिजिट के बाद है 10.5 10 आया 0.5 0.89 को 10 से करना है